Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to Unacademy GATE AMI XCPI YouTube चैनल. सो एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है क्या? मुझे जल्दी से कन्वे कर दीजिएगा मैसेज. आवाज़ आ रही है क्या? एंड स्क्रीन शेयर हो रहा है? गुड मॉर्निंग यासिर, गुड मॉर्निंग कार्तिक, एंड गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग नवनीत. एम आई ऑडिबल? यस, ओके ओके ओके. सो चलिए, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, जो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस, जो आपके पास 4 साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस आपके पास पेंडिंग थे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, गुड मॉर्निंग लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सेशन को स्टार्ट करने से पहले Let me introduce myself first. Myself Sandeep Chandrakar and I secured AIR 242 in GATE 2011 exam, and after that I did my master from IIT Delhi in thermal engineering, right? And almost 7+ years teaching experience I have, ठीक है. पिछले 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ continuously. एंड जो सब्जेक्ट बेसिकली मैं डील करता हूँ, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन उसका एप्लीकेशन पार्ट, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो दीज आर माई सब्जेक्ट्स, राइट. एंड अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर इट इज़ अ प्लस और इट इज अ आइकॉनिक, ठीक है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10, राइट। सो इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10 और अगर आप 1 ईयर के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, 1 ईयर के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। एंड अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। एंड अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना है, राइट। रिमेंबर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो, आपके पास EMI का ऑप्शन भी है तो आप EMI के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, राइट। एंड अगर आप 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, राइट, 1 ईयर के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। एंड अगर आप 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट। सो अगेन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI का ऑप्शन यहाँ पे भी है, राइट, EMI का ऑप्शन यहाँ पे भी है और कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको EMI पे नहीं पे करना है, राइट। सो चलिए फिर लास्ट जो सेशन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने, ठीक है, कहाँ तक डिस्कशन किया था, ठीक है। सो लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ ये जो आपके पास सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस, और नेक्स्ट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस कौन सा होने वाला है, सी ईयर। नेक्स्ट जो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है वो कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है आपके पास हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, राइट। सो फिफ्थ आपके पास जो प्रोसेस है दैट इज हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, राइट। फिफ्थ जो प्रोसेस है दैट इज हीटिंग प्लस, राइट, फिफ्थ जो प्रोसेस है दैट इज हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कैसे पॉसिबल है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल आपको बताना है क्या, तो एग्जाम्पल आप बता पाओगे? एग्जाम्पल अगर आपको बताना है, हीटिंग भी हो रहा है और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, राइट, हीटिंग भी हो रहा है और साथ में आपके पास क्या हो रहा है, साथ में आपके पास ह्यूमिडिफाई भी हो रहा है, राइट। सो एक काम ये कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल कि ये आपके पास एक डक्ट है ना, दिस इज द डक्ट, ये आपके पास क्या है, ये एक डक्ट है, और ये जो डक्ट है इस डक्ट में क्या हो रहा है, इस डक्ट में जो एयर है वो एयर क्या कर रहा है, एयर जो वो फ्लो कर रहा है ना, ये जो डक्ट है इस डक्ट में एयर क्या कर रहा है, एयर जो वो फ्लो कर रहा है, राइट। नाउ ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक सेक्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन नंबर 1 है, राइट, दिस इज अ सेक्शन नंबर 1, ये आपके पास सेक्शन नंबर 1 है और ये आपके पास सेक्शन नंबर 2 है, राइट। तो दो सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 1 है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेक्शन नंबर 2 है, ठीक है भाई, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, एयर एंटर कर रहा है, इन यहाँ से इन क्या और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, राइट। सो हीटिंग भी होना चाहिए और ह्यूमिडिफिकेशन भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे स्टीम जो है वो एंटर करवाने वाले हैं, राइट। स्टीम इज नथिंग बट द वाटर वेपर ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो स्टीम है ये स्टीम एंटर करवाने वाले हैं। तो स्टीम क्या हो रहा है, देखो यहाँ से स्टीम एंटर कर रहा है, ये स्टीम हो गया। अब ये जो स्टीम एंटर कर रहा है ना, यहाँ पे ये जो स्टीम जो है ये एंटर कर रहा है, इस स्टीम का जो टेम्परेचर है, ये जो स्टीम है इस स्टीम का जो टेम्परेचर है ना, ये जो एयर है इस एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, इनलेट पे जो एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, सो इनलेट पे जो एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है DBT1। इनलेट पे जो एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये हमारे पास है DBT1, राइट। यहाँ पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, एग्जिट पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर देखोगे जो स्टीम हम लोग एंटर कर रहे हैं ना, उसका जो टेम्परेचर जो है ना यार, टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर है ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, DBT1 से ग्रेटर है ना, किससे ग्रेटर है, DBT1 से क्या है, DBT1 से ग्रेटर है, राइट। ये जो टेम्परेचर है स्टीम का जो टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो स्टीम हम लोग एंटर करवा रहे हैं ना, जो स्टीम हम लोग एंटर करवा रहे हैं उस स्टीम का जो टेम्परेचर है, उस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT1 से क्या है, DBT1 से आपके पास ज्यादा है, राइट। तो अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे अगर देखोगे, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि राइट टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछूं कि भाई जब आप सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हो, या जो एयर है वो सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 2 की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर पे क्या फर्क पड़ेगा। सो डेफिनेटली देखो, अगर मैं मास ऑफ ड्राई एयर की बात करूं तो मास ऑफ ड्राई एयर आपके पास 1 और 2 पे मास ऑफ ड्राई एयर तो सेम रहने वाला है, राइट। अगर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 और 2 पे जो मास ऑफ ड्राई एयर है वो आपके पास क्या रहने वाला है, वो आपके पास सेम रहने वाला है, राइट। अगर हम लोग मास ऑफ वाटर वेपर की बात करें तो मास ऑफ वाटर वेपर जो होगा, क्योंकि हम लोग मास ऑफ स्टीम जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टेट नंबर 2 पे जो मास ऑफ वाटर वेपर होगा वो क्या होगा, वो आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करूं, अगर मैं ओमेगा के बारे में बात करूं तो चलो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में क्या रिलेशन होगा बता सकते हो। ऑब्वियसली दैट ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन द ओमेगा 1। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन द ओमेगा 1। ओमेगा 2 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, ओमेगा 1 से। ये बात भी पक्की हो गई, राइट। अब आपके पास ये जो प्रोसेस है, और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 से। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो ग्रेटर होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 से। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं आपके पास इसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ, राइट। ये हो गया आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 लेसर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू DBT 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हीटिंग भी हो रहा है और साथ में आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2, राइट। यहाँ पे अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूँ तो वेट बल्ब टेम्परेचर 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर 2 है। वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1 है, और यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 2 है, ठीक है। ये बात भी हो गई। यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो यहाँ पे RH1 है, और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, RH2 है। एंथैल्पी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, H1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास H2 है, करेक्ट है पॉइंट, राइट। तो ये आपके पास, ठीक। अब आपको ये जो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है ना, इसको शो करना है। कहाँ पे शो करना है इसको, इसको शो करना है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, राइट। तो चलो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम लोग शो कर सकते हैं क्या, साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको शो करना है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट है, राइट। तो प्रोसेस आपके पास क्या है, ये आपके पास 5th प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था, आपके पास हीटिंग भी है, हीटिंग भी हो रहा है, और साथ में आपके पास क्या हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। और मैंने आपको बताया एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर आप स्टीम जो कि हायर टेम्परेचर पे है एंटर करने वाले एयर के DBT से, अगर आप स्टीम को एंटर करवाते हो तो डेफिनेटली आपको हीटिंग भी मिलेगा और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है। मतलब हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस दोनों आपको मिलने वाला है, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो यहाँ पे शो करें तो यहाँ पे शो करते हैं तो स्टेट नंबर 1, सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 मतलब, ठीक है, ये आपके पास स्टेट नंबर 1 हो गया ना, इसको हम लोग शो करते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ओमेगा 1, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1, और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 2, राइट। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, करेक्ट है पॉइंट। चलो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो करते हैं, सी हियर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओमेगा 1 इज लेसर देन ओमेगा 2, राइट। सो देखो हमको DBT 1 पता है और ओमेगा 1 पता होगा तो हम लोग क्या पॉइंट लोकेट कर पाएंगे, तो आंसर है बिल्कुल हम लोग पॉइंट नंबर 1 लोकेट कर पाएंगे। देखो पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे हो गया, तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो समवेयर हियर, राइट। पॉइंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हो गया। देखो पॉइंट नंबर 1 जो है, दैट पॉइंट नंबर 1 इज हियर, ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, राइट। अब आपके पास 1 से लेके 2 प्रोसेस को शो करना है, 1 से लेके 2 प्रोसेस को शो करना है। तो 1 से लेके 2 प्रोसेस को मतलब हीटिंग भी होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, और ह्यूमिडिफिकेशन भी होना चाहिए, मतलब आपके पास क्या है, ओमेगा भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो ये आपको दिख रहा है ऐसा प्रोसेस, सी हियर, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट नंबर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2, ये हो गया। 1 से लेके 2, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलने वाले हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग के साथ और क्या हो रहा है, हीटिंग के साथ आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, राइट। चलो अब यहाँ पे आप देखो, कमेंट तो कर पाओगे भाई, सीधी सी बात है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कमेंट करें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा भी क्या हो रहा है, ओमेगा भी आपके पास क्या हो रहा है, ओमेगा भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है ना, ओमेगा भी है वो भी क्या हो रहा है, ओमेगा भी आपके पास क्या हो रहा है, ओमेगा भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना है कमेंट, ठीक है, एंथैल्पी के ऊपर, एंथैल्पी के ऊपर कमेंट करना है। तो क्या एंथैल्पी के ऊपर कमेंट कर पाओगे? एंथैल्पी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे 1 और 2 पे अगर आप कंपेयर करोगे तो एंथैल्पी क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि भाई एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है ना। एंथैल्पी जो है वो, एंथैल्पी क्या हो रहा है, एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंथैल्पी क्या हो रहा है, एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 और 2 पे, राइट। चलो एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो H अगर इंक्रीज होगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा। ये बात भी पक्की हो गई, राइट। चलो वेट बल्ब टेम्परेचर, डीपीटी के बारे में बात करूं तो डीपीटी क्या होगा बता सकते हो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो आपके पास पीवी भी क्या होगा, पीवी भी आपके पास इंक्रीज होगा। और आपके पास ड्राई वेट, सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में हम लोग अगर बात करें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कॉन्स्टेंट डीपीटी की लाइन कॉन्स्टेंट ओमेगा की लाइन को फॉलो करता है, राइट। कांस्टेंट डीपीटी की लाइन और कांस्टेंट ओमेगा की लाइन ऑलमोस्ट सेम लाइन होती है, कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन और कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी की लाइन ऑलमोस्ट सेम लाइन होती है, ठीक है। तो एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूबीटी इंक्रीज हो रहा है, पीवी इंक्रीज हो रहा है, डीपीटी इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है और डीपीटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सारा इंक्रीज हो रहा है। अच्छा आरएच के ऊपर कमेंट करना है, आरएच के ऊपर कमेंट करना है, तो क्या आरएच के ऊपर हम लोग कमेंट कर पाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आरएच के ऊपर कमेंट करना है तो आरएच के ऊपर क्या हम लोग कमेंट कर पाएंगे? आरएच के ऊपर क्या हो सकता है, आरएच, तो मैं यहाँ पे आरएच को बोलने वाला हूँ कि देखो आरएच जो है ना, वो आरएच आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है, आरएच आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है, या फिर आरएच आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है ना। आरएच जो है वो आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है और आरएच आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करने वाला है कि वो जो साइक्रोमेट्रिक, वो जो आपके पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, राइट। जैसे कि ठीक है, ये आपके पास 1 से लेकर 2 आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के बारे में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरएच के बारे में, देखो पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग ये आरएच होगा। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया हमारे पास आरएच1, दिस इज द आरएच1। पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया आरएच2, राइट। पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया आरएच2, राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो आरएच है, पॉइंट नंबर 1 पे जो आरएच होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट नंबर आरएच2, राइट। तो एक आपके पास हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ये है। अच्छा दूसरा यहाँ पे हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस शो करना, ये भी आपके पास एक हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है और ये भी आपके पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। सी हियर मैंने अलग अलग बनाया है, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। ये भी आपके पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, ये भी आपके पास हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएच1 है, अगर यहाँ पे देखोगे ये ऐसा कुछ होगा आरएच2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आरएच2 क्या होगा, ऐसा कुछ होगा आरएच2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएच2 कैसा होगा, यहाँ पे आरएच2 जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच1 है तो यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और वो इससे कम भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर कि आरएच की जो आरएच है वो आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है और आरएच आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सारा चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट। चलो अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साइकोमेट्रिक चार्ट में प्रोसेस को शो कर दिया, राइट। अब आपके पास यहाँ पे करना क्या है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, क्या हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि भाई अगर आप मास ऑफ स्टीम ऐड कर रहे हो, ठीक है, मास ऑफ स्टीम ऐड कर रहे हो तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज एडेड इनटू द एयर, राइट। क्या हम लोग यहाँ से ये बता पाएंगे क्या कि जो Q12 है, Q12 या फिर मैं बोल दूँ Q.12, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मास ऑफ स्टीम ऐड कर रहे हो तो मास ऑफ स्टीम ऐड कर रहे हो तो भाई यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग भी होगी और साथ में लैटेंट हीटिंग भी होगी, मतलब सेंसिबल हीट भी इन्वॉल्व होगा और साथ में आपके पास लैटेंट हीट भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। दोनों ही हीट आपके पास इन्वॉल्व रहने वाला है। तो क्या हम यहाँ से जो Q12 है या Q.12 है, क्या हम लोग वो फाइंड आउट कर पाएंगे? तो बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जैसा आप लोगों ने पहले किया है वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। किसके किसके बीच में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है, 1 और 2 के बीच में, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m.a, ये हो गया h1, राइट, प्लस ये हो जाएगा q.12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m. ये हो गया a और ये हो गया क्या, ये हो गया h2, है ना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो ये हो जाएगा Q.12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M.A और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास H2 माइनस ये हो गया H1, H2 माइनस ये हो गया H1। और ये यहाँ से अगर निकालोगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोवाट में। और अगर किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकालना होगा तो ये हो गया H2 माइनस H1, राइट। ये किस में आएगा, ये आएगा किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये जो Q12 है इस Q12 को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे H1 और H2 क्या होगा, तो ये तो आपको पता है यार। अगर मैं H की बात करता हूँ, ठीक है, इन जनरल अगर मैं H की बात करता हूँ तो H क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द HA प्लस ओमेगा HV ना यार, ओमेगा HV यही तो होता है, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे Q12 फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा HA2 माइनस ये हो गया HA1, राइट, HA1 प्लस, राइट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ओमेगा 2, ये हो गया HV2 माइनस ये हो गया ओमेगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास HV1, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग Q12 फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बताया, राइट। अगर यहाँ से अगर Q12 की मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, तो CPA और ये हो जाएगा DBT2 माइनस ये हो गया DBT1, DBT2 माइनस ये हो गया DBT1, ठीक है, ये हो गया प्लस, राइट। अभी ओमेगा 2 HV2, राइट, तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 अलग अलग है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 अलग अलग है। HV को हम लोग क्या लिखते हैं, HV को हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट द HG करस्पॉन्डिंग टू द 0 डिग्री सेल्सियस, याद आया, प्लस ये हो जाएगा CPV और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या DBT माइनस ये हो गया 0, ठीक है, DBT माइनस 0, राइट। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप आसानी से लिख सकते हो। ओमेगा 2 तो पता है, HV2 को यही लिखना होगा HG करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस which is a constant value, CPV DBT2 minus 0, ये आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, ओमेगा 2 HV2 माइनस ये हो गया ओमेगा 1 HV1। और यहाँ से जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके हम लोग, ठीक है, जो Q12 है इस Q12 को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार Q12 फाइंड आउट हो गया देन डेफिनेटली Q.12 भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। सो Q.12 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, ठीक है, जो आपके पास ड्राई एयर है उस ड्राई एयर का मास फ्लो रेट ही आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। ओके, सो आई थिंक अभी सारा चीज़ जो है वो सही हो गया है। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है वो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात किया, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 6th प्रोसेस, ठीक है। तो 6th जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। जो आपके पास 6th नंबर का जो प्रोसेस है दैट इज कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, राइट। कूलिंग भी है और साथ में कूलिंग के साथ आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन भी है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, नाउ 6th जो प्रोसेस है दैट इज कूलिंग प्लस राइट, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ओके फाइन। सो कूलिंग भी हो रहा है और साथ में आपके पास क्या रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। कूलिंग के साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन भी है, राइट। सो हाउ इज इट पॉसिबल, कूलिंग के साथ साथ आपके पास जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। कूलिंग के साथ साथ आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब आपके पास कूलिंग इफेक्ट भी मिले और साथ में आपके पास ह्यूमिडिफाई भी हो, राइट। सो देखो होगा क्या, यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डक्ट हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डक्ट जो है वो डक्ट कंसिडर करते हैं, दिस इज द डक्ट, ये जो डक्ट है ये डक्ट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, राइट। अब ये जो डक्ट हम लोगों ने कंसीडर किया, ये जो डक्ट है, इस डक्ट में जस्ट टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ वाटर सम, ठीक है, वाटर पूल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास वाटर पूल है, देयर इज अ वाटर पूल, वाटर पूल, ये आपके पास वाटर के लिए क्या हो गया, वाटर के लिए ये पूल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास देयर इज अ वाटर पूल, राइट। सो दिस इज द वाटर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ वाटर पूल, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो एयर है वो एयर एंटर कर रहा है, यहाँ से एयर जो है वो एंटर कर रहा है, सी दैट एयर इज एंटरिंग, यहाँ से एयर जो है वो एंटर कर रहा है। और यहाँ से जो एयर है वो एयर क्या होगा, यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। यहाँ से जो एयर है वो एयर क्या हो रहा है, यहाँ से एयर जो है वो एंटर कर रहा है और यहाँ से जो एयर है वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। नाउ सी हियर, दिस इज द सेक्शन नंबर 1, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ ये सेक्शन नंबर 1 है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सेक्शन नंबर 2। सो दिस इज द सेक्शन नंबर 1, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 1, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एयर यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एयर जो है वो एंटर कर रहा है, एयर जो है वो यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से जो एयर है वो एग्जिट होने वाला है, राइट। तो एयर ये है आपके पास, राइट। तो अब क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो एयर है ना, ये एयर का जो टेम्परेचर है, राइट, एयर का जो यहाँ पे अगर स्टेट नंबर 1 पे हम सेइंग, स्टेट नंबर 1 पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, स्टेट नंबर 1 पे अगर मैं बोलूँ कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये हो गया DBT1, स्टेट नंबर 2 पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है दैट इज DBT2, राइट। स्टेट नंबर 1 पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है DBT1, स्टेट नंबर 2 पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है DBT2। यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो ओमेगा 1, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है दैट इज ओमेगा 2, ठीक। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DBT1, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट इज अ DBT2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर WBT1, यहाँ पे WBT2 ये हो गया, राइट। यहाँ पे अगर RH के बारे में बात करें, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे RH1 है और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH2 है, राइट। एंथेल्पी यहाँ पे H1 है और यहाँ पे जो एंथेल्पी है दैट इज H2, राइट। सो क्या होगा, व्हेन एयर पासिंग थ्रू दिस डक्ट, जब एयर यहाँ से पास होगा, तो एयर जब पास होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपके पास इस वाटर पूल में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, राइट, ये जो वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, ये वाटर के पार्टिकल्स जो है वो इवोपरेट होंगे। ये जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ये वाटर के पार्टिकल्स क्या होने वाले, ये वाटर के पार्टिकल्स जो है वो इवोपरेट होने वाले हैं। ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, ये वाटर के पार्टिकल्स जो है वो इवोपरेट होंगे और इवोपरेट होंगे, ठीक है। अभी तो आपके पास ये वाटर पार्टिकल्स है और यहाँ पे जब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वाटर वेपर्स, ये आपके पास है वाटर वेपर्स, है ना, ये हो गया वाटर वेपर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप समझोगे कि जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट था कहाँ पे, ठीक है, वाटर पूल पे, वो आपके पास क्या हो रहा है, वो जो वाटर पार्टिकल्स है दैट वाटर पार्टिकल्स इज इवोपरेट, और जब इवोपरेट होगा तो क्या बन गया, यहाँ पे वाटर वेपर बन गया। तो भाई अभी इसको इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए होगा, ये जो वाटर पार्टिकल्स है, इन वाटर पार्टिकल्स को इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, तो वाटर पार्टिकल्स को इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी वो कहाँ से लेगा, अगर वो एनर्जी लेगा तो कहाँ से लेगा, तो जो एयर है ना, एयर के पास जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व है वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से हीट एनर्जी लेगा। जो सराउंडिंग में जो आपके पास और भी वाटर पार्टिकल्स होंगे वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, ये जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे, देखो ये जो वाटर पार्टिकल्स है इसको इवोपरेट होना है, तो इवोपरेट होने के लिए क्या कर रहा है, एयर से एनर्जी ले रहा है। तो भाई अगर हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कैसे कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे अगर देखोगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो लेसर होगा किस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 से। अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 की बात करूँ तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, लेसर होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 से। ये बात तो पक्की हो गई, राइट। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं मॉइस्चर कंटेंट, देखो मास ऑफ ड्राई एयर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। मास ऑफ ड्राई एयर तो 1 पे भी वही था, मास ऑफ ड्राई एयर 2 पे वही रहेगा, मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, 1 पे भी वही था, मास ऑफ ड्राई एयर 2 पे भी वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूँ मास ऑफ वाटर वेपर, तो मास ऑफ वाटर वेपर की अगर मैं बात करूँ, मास ऑफ वाटर वेपर 1 पे, मास ऑफ वाटर वेपर देखो ऐड हो रहा है, तो मास ऑफ वाटर वेपर 2 पे क्या होगा, मास ऑफ वाटर वेपर 2 पे ज्यादा होगा, ये हो गया mv2 राइट। अगर मास ऑफ वाटर वेपर अगर आपके पास ज्यादा है तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 में क्या रिलेशन हो जाएगा, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 में ओमेगा 2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ओमेगा 1 से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये चीज को समझ लिया, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चीज और आपको जो समझना है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको जो समझना है कि भाई यहाँ पे आपको जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे तो रिलेशन आपको दिख रहा है राइट, RH1 RH2 में क्या रिलेशन होगा, H1 H2 में क्या रिलेशन होगा, DPT1 DPT2 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि कूलिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एयर देखोगे तो एयर कूल हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिफाई हो रहा है राइट। अच्छा, ऐसा जो आपके पास होता है ना, यहाँ पे आपके पास जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इस कूलिंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इवोपरेटिव कूलिंग, है ना, इवोपरेटिव कूलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपरेटिव कूलिंग। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो इस प्रोसेस को और हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कूलिंग प्लस, या सॉरी इवोपरेटिव कूलिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड इवोपरेटिव, दिस इज कॉल्ड इवोपरेटिव कूलिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपरेटिव कूलिंग राइट। सो इवोपरेटिव कूलिंग कैसा प्रोसेस है, जो इवोपरेटिव कूलिंग है वो आपके पास क्या हो रहा है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन राइट। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपके पास जो वाटर पार्टिकल्स है वो इवोपरेट हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, जो एयर है वो ठंडा मिल रहा है, एयर जो है वो कूल होके मिल रहा है राइट। वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इवोपरेटिव, और साथ में एयर क्या हो रहा है, एयर जो है वो कूल हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इवोपरेटिव कूलिंग। तो हमारे जो घर में जो यूज होता है ना कूलर, हमारे पास जो घर में यूज होता है ना, मतलब देयर इज अ नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ द इवोपरेटिव कूलिंग राइट। अगर आप लोग देखोगे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द इवोपरेटिव कूलिंग, इवन घर में जो हम लोग कूलर यूज करते हैं ना, घर में हम लोग जो कूलर यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इवोपरेटिव कूलिंग। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पे भी वही चीज होता है। ठीक है, आपके पास वाटर का पूल होता है और वाटर का पूल होता है और एयर क्या हो रहा है, एयर जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, फैन लगा होता है ना, ठीक है, तो एयर को क्या करता है, एयर को सक करता है और उसके बाद रूम में क्या करता है, रूम में वो भेजता है राइट। तो घर में जो कूलर होता है ना वो भी आपके पास सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज इवोपरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल पे राइट। एंड द इवोपरेटिव कूलिंग इज नथिंग बट द कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन राइट। अभी ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को शो करना है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को शो करना है, कहाँ पे शो करना है, इस प्रोसेस को शो करना है इस टीएस प्लॉट पे, सॉरी इस साइक्रोमेट्रिक प्लॉट पे, सॉरी ये जो साइक्रोमेट्रिक प्लॉट है ना, इस साइक्रोमेट्रिक प्लॉट पे आपको शो करना है, किसको शो करना है आपको, ठीक है, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो चलिए शो कर सकते हैं क्या, कैसे शो करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे कूलिंग भी हो रहा है और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है राइट। तो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो गया, स्टेट नंबर 1। अभी हमको शो करना है इस प्रोसेस को, तो 1 से लेके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से लेके, सॉरी ये हो गया आपके पास 1 से लेके क्या हो गया, ये हो गया 1 से लेके 2 राइट। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया 1 से लेके क्या हो गया, ये हो गया 1 से लेके 2, ये दिख रहा है 1 से लेके क्या हो गया, 1 से लेके 2। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके पास देखो, इस प्रोसेस में आपके पास कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है क्या, ड्राई बल्ब पर टेम्परेचर कम हो रहा है क्या, बिल्कुल कम हो रहा है, और ह्यूमिडिफाई हो रहा है क्या, ओमेगा बढ़ रहा है क्या, तो बिल्कुल ओमेगा बढ़ रहा है राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस 1 के करस्पॉन्डिंग, इस 1 के करस्पॉन्डिंग, इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो ह्यूमिडिटी था ओमेगा 1, 2 के करस्पॉन्डिंग जो ह्यूमिडिटी है दैट इज ओमेगा 2, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ह्यूमिडिटी है दैट इज ओमेगा 1, 2 के करस्पॉन्डिंग जो ह्यूमिडिटी है दैट इज ओमेगा 2। ठीक है, अच्छा 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास DBT1, और 2 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास हो गया DBT2, ये हो गया मेरे पास DBT2 ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2, ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये तो बात पक्की हो गई कि यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हम लोग शो कर रहे हैं, कौन से नंबर का प्रोसेस है यार, ये 6 राइट, 6 नंबर का जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग शो करने वाले हैं कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग के साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, कूलिंग के साथ साथ आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है राइट। ओमेगा आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा आपके पास क्या हो रहा है, ओमेगा आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आरएच के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आरएच के बारे में देखो यहाँ पे ये हो गया आरएच2, यहाँ पे अगर देखोगे 2 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया आरएच2 और 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया तुम्हारे पास आरएच1, राइट। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास इंक्रीज ही होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास इंक्रीज ही होगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेट बल्ब सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, पीवी आपके पास क्या हो रहा है, पीवी भी इंक्रीज हो रहा है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंथेल्पी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एंथेल्पी आपके पास क्या होता है, एंथेल्पी आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है या फिर एंथेल्पी आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। अगर हम लोग एंथेल्पी के बारे में बात करें तो एंथेल्पी इंक्रीज भी हो सकता है और एंथेल्पी आपके पास क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। सो एंथेल्पी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंथेल्पी कैसे इंक्रीज होगा देखो, या फिर एंथेल्पी इंक्रीज भी हो सकता है, एंथेल्पी डिक्रीज भी हो सकता है और एंथेल्पी क्या हो सकता है, एंथेल्पी सेम भी रह सकता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज है, एंथेल्पी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। ठीक है, देखो जैसे ये प्रोसेस मैं शो करता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे ये हो गया तुम्हारे पास 1 से लेके 2, ये हो गया तो है, तो ये भी कूलिंग के साथ साथ क्या ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी आपके पास कूलिंग है और ह्यूमिडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो एंथेल्पी है और यहाँ पे जो एंथेल्पी होगा वो दोनों एंथेल्पी में डिफरेंस होगा, ये एंथेल्पी ज्यादा होगा और ये एंथेल्पी कम होगा, तो यहाँ पे एंथेल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर मैं दूसरा प्रोसेस आपको शो करूँ, जैसे ये भी आपके पास क्या देखोगे, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे एंथेल्पी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी भी क्या है कि आपके पास जो एंथेल्पी है वो एंथेल्पी आपके पास सेम भी रह सकता है, राइट। तो अगर एंथेल्पी सेम है, अगर आपके पास एंथेल्पी सेम है तब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एंथेल्पी सेम है, अगर H1 = H2 सेम है, राइट, तब वो जो इवोपरेटिव कूलिंग है दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक, राइट। देखो H1 = H2 है और सेकेंड RH = कितना है, 100%, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। H1 जो है वो किसके बराबर है, H1 जो है वो H2 के बराबर है और जो RH है वो RH किसके बराबर है, RH जो है वो 100% के बराबर है, तब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक सैचुरेशन, है ना, एडियाबैटिक सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो जो एडियाबैटिक सैचुरेशन है ना, जो एडियाबैटिक सैचुरेशन है वो एडियाबैटिक सैचुरेशन एक तरीके से अगर आप देखोगे, एडियाबैटिक सैचुरेशन जो प्रोसेस है वो एक तरीके का आपके पास इवोपरेटिव कूलिंग ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एडियाबैटिक सैचुरेशन की हम लोग बात करते हैं तो H1 और H2 दोनों सेम है और साथ में RH की वैल्यू कितनी है, 100%, मतलब एयर जो है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, राइट। सो यहाँ पे अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई Q120 है और साथ में जो एयर है वो एयर कैसा हो रहा है, एयर जो है वो सैचुरेटेड एयर बन रहा है, जो एयर है वो एयर कैसे एयर बन रहा है, वो एयर जो है वो सैचुरेटेड एयर बन रहा है, राइट। तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक सैचुरेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंथेल्पी के ऊपर अगर आप कमेंट किए तो एंथेल्पी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और एंथेल्पी सेम भी रह सकता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक चीज और अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर WBT के बारे में बात करूँ, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात करूँ, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर के बाद भी सेम स्टोरी है कि इंक्रीज भी हो सकता है आपके पास, डिक्रीज भी हो सकता है, या तो आपके पास क्या है, आपके पास सेम भी रह सकता है, आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और आपके पास सेम भी रह सकता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस अगर है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है Q12 फाइंड आउट करना है, Q12, राइट। तो ये जो Q12 है, ये Q12 तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें, क्योंकि देखो ये जो Q.12 आप लिख रहे हो ना, ये Q.12 आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये Q.12 आपके पास निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। ये जो Q.12 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और आपके पास क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो होगा तब तो एडियाबैटिक कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्चुअली हम लोग Q.12 को देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या है, M.A और ये हो जाएगा तुम्हारे पास H2 - H1, ठीक है। अब ये जो Q.12 है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा, ये किस बात पे डिपेंड करने वाला है, ये डिपेंड करने वाला है कि H1 और H2 में क्या रिलेशन है ना। अभी मैंने बताया कि H1 तो आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है, तो H1 और H2 में क्या रिलेशन है ये बताने वाला है क्या, ये बताने वाला है कि आपके पास जो Q.12 है वो क्या रहने वाला है, राइट। H2 की वैल्यू ग्रेटर देन H1 हो सकता है, H2 की वैल्यू लेसर देन H1 हो सकता है, या H2 जो है वो H1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अगर Q.12 अगर सीधी सी बात है, अगर H2 जो है वो ग्रेटर है किससे, H1 से, राइट, तब उस केस में तुम्हारे पास Q.12 क्या आ जाएगा, Q.12 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास H2 जो है वो लेसर है, किससे लेसर है, H1 से, राइट। तो उस केस में तुम्हारे पास Q.12 क्या आ जाएगा, Q.12 मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और अगर मेरे पास क्या है, H2 और H1 मेरे पास दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो Q.12 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0, राइट। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज है किसमें, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास 6 प्रोसेस, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवोपरेटिव कूलिंग किसका एग्जांपल है, तो इवोपरेटिव कूलिंग एग्जांपल है कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो 7 नंबर का प्रोसेस, 7 नंबर का प्रोसेस, 7 नंबर का प्रोसेस क्या है देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट। नेक्स्ट आपके पास है कूलिंग के साथ साथ डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग के साथ साथ डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो शो कर सकते हैं क्या, कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये हो गया आपके पास 7th प्रोसेस, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। सो कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन दोनों है, राइट। तो कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, है ना, एक डक्ट कंसीडर करता हूँ, देयर इज अ डक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डक्ट है, और ये जो डक्ट है ना यार, ये जो डक्ट है, इस डक्ट में ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कॉइल है, कूलिंग कॉइल लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कूलिंग कॉइल अटैच कर रहे हैं, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास कूलिंग कॉइल, दिस इज द कूलिंग कॉइल, ये हो गया कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, राइट। और ये जो कूलिंग कॉइल है ना, इस कूलिंग कॉइल के सरफेस का जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर है, कूलिंग कॉइल के सरफेस का टेम्परेचर मैं बोल देता हूँ, ये क्या है, ये मेरे पास है Ts, ठीक। एयर यहाँ से क्या कर रहा है, एयर यहाँ से एंटर कर रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, एयर यहाँ से एंटर कर रहा है और एयर यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जो एयर है ना, ये इनलेट पे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनलेट है, दिस इज द इनलेट, ये इनलेट है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये 1 है, और ये क्या है, ये आपके पास 2 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई, राइट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 पे और 2 पे कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, यहाँ पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि ये DBT1 है, वेट बल्ब टेम्परेचर WBT1 है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT1 है ना। ये हो गया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेरे पास DBT2 है, वेट बल्ब टेम्परेचर मेरे पास WBT2 है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेरे पास DPT2 है, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, राइट। RH के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे RH1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास RH2 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ओमेगा 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज ओमेगा 2 है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अगर देखोगे हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि जो कूलिंग कॉइल के सरफेस का टेम्परेचर है ना, कूलिंग कॉइल के सरफेस का टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, जो एयर एंटर कर रहा है ना, उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या है, कम है, राइट। यहाँ पे मैंने एक एजम्पशन ले लिया, क्या एजम्पशन ले लिया कि ये जो आपके पास कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है ना, कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है, जो एयर एंटर कर रहा है, उस एयर जो एयर एंटर कर रहा है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से आपके पास कम है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। अगर मान लो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो सरफेस का टेम्परेचर है मान लीजिए कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों लिया, ऐसा हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ये एयर जो है वो कॉन्टेक्ट में आएगा किसके साथ, एयर जो है वो कॉन्टेक्ट में आएगा किसके साथ, इस कूलिंग कॉइल के साथ, और जैसे ही आपके पास कूलिंग कॉइल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, कूलिंग कॉइल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, तो जो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है ना, कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है ना, कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो इस एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। तो जो वाटर पार्टिकल, जो आपके पास वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर प्रेजेंट है जो एयर में, दैट स्टार्ट टू कंडेंसेट, वो क्या होगा, कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये जो है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो गया, करेक्ट है पॉइंट। ये जो आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कंडेंसेट होना क्या हो गया, कंडेंसेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई। और कंडेंसेट होना स्टार्ट हो गया तो आपके पास डेफिनेटली आपके पास मास ऑफ वाटर वेपर, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ ड्राई एयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, MA1 इज इक्वल टू MA2 रहेगा, है ना, MA1 इज इक्वल टू MA2 रहेगा। अगर मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात करूं तो वो आपके पास चेंज होने वाला है, क्योंकि मास ऑफ वाटर वेपर अगर देखोगे MV2 इज लेसर देन MV1, MV2 जो है वो लेसर है किससे, MV1 से, और ओमेगा 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, ओमेगा 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, ओमेगा 1 से, ओमेगा 2 जो होगा वो लेसर होगा ओमेगा 1 से। अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठीक है, कूलिंग हो रहा है ना, ठीक है, आपके पास कूलिंग कॉइल है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1, क्योंकि कूलिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसको साइकोमेट्रिक चार्ट में शो करना है, ये जो प्रोसेस है कौन सा, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, इसको हम लोगों को साइकोमेट्रिक चार्ट में शो करना है। तो ये हो गया कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, सो कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ये है, इसको हम लोगों को साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या करना है, साइकोमेट्रिक चार्ट में शो करना है, ठीक है। तो शो किया जा सकता है क्या, देखिए कैसे शो करोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे शो करना है तो क्या शो किया जा सकता है क्या, देखो ये आपके पास यहाँ पे सी है, ये आपके पास पॉइंट नंबर क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, राइट, कूलिंग हो रहा है और साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, चलो ये हो गया क्या, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, या फिर प्रोसेस को डायरेक्टली हम लोग शो करने वाले हैं। ये आपके पास हो गया 1 और ये आपके पास क्या हो गया, सॉरी दिस इज 1 से लेके 2, ये हो गया इस तरीके से, है ना, ये प्रोसेस होने वाला है 1 से लेके क्या हो गया, ये हो गया 1 से लेके 2, राइट, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, कूलिंग भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो सारा चीज एक एक करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, सारा चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ किसके, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, राइट। ओमेगा के बारे में बात करूँ तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो पीवी क्या होगा, डिक्रीज होगा, पीवी अगर डिक्रीज होगा तो डीपीटी क्या होगा, अगर मैं डीपीटी के बारे में बात करूँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, राइट। एंथेल्पी के बारे में हम लोग बात करें तो एंथेल्पी क्या होगा, एंथेल्पी भी आपके पास डिक्रीज ही होगा, एंथेल्पी डिक्रीज होगा तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी आपके पास डिक्रीज होगा, राइट। अब बात आती है किसके बारे में, आरएच के बारे में, राइट। तो आरएच क्या हो सकता है, जो आरएच है वो इंक्रीज भी हो सकता है, अगर हम लोग आरएच के बारे में बात करें तो आरएच इंक्रीज भी हो सकता है और आरएच क्या है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे देखते हो इसके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग अभी आरएच ये हो गया, 2 के करस्पॉन्डिंग अभी आपके पास आरएच ये है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आरएच जो है वो कम हो रहा है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे RH2 और ये हो गया तुम्हारे पास RH1, तो क्या दिख रहा है अभी, RH2 जो है वो कम है RH1 से, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि RH कम हो रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, ये भी तो आपके पास कूलिंग, ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो ये प्रोसेस भी क्या है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास कूलिंग के साथ साथ डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, राइट। कूलिंग के साथ साथ डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है और यहाँ पे जो आरएच है वो क्या हो रहा है, आरएच जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो आरएच इंक्रीज भी हो सकता है और आरएच आपके पास क्या है, आरएच जो है वो आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलो तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नॉट नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 8th प्रोसेस एंड दैट इज नथिंग बट द, साथ में आपके पास हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, तो मतलब आपके पास हीटिंग प्रोसेस भी है और साथ में आपके पास क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी हो रहा है, राइट। तो हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल यूज करने वाले, ये हो गया, और ये जो केमिकल है ये आपके पास सिलिका जेल होगा, सिलिका जेल, या फिर आपके पास क्या हो गया, एल्यूमिना ऑक्साइड, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना ऑक्साइड, ठीक है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना ऑक्साइड, ठीक। अब यहाँ से एयर क्या होने वाला है, एयर यहाँ से पास होगा, यहाँ से एयर जो है वो एयर पास होने वाला है, देखो यहाँ से एयर पास हो रहा है, तो एयर यहाँ से इन किया और यहाँ से एयर जो है वो आपके पास आउट हो रहा है, यहाँ से एयर इन किया और यहाँ से जो एयर है वो एयर क्या हो रहा है, एयर जो है वो आउट हो रहा है, राइट। अब क्या होने वाला है, ये जो सिलिका जेल है या फिर एल्यूमिना ऑक्साइड है, ये क्या करता है, जब एयर पास होगा ना तो एयर में जो आपके पास मास ऑफ वाटर वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर को क्या करता है, मास ऑफ वाटर वेपर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ वाटर वेपर mv1 है और यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर वेपर है वो mv2 है, राइट। यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर वेपर है वो mv1 है, यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर वेपर वो mv2 है। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो mv2 होगा वो लेसर होगा किससे, mv1 से। क्यों भैया? क्योंकि ये जो सिलिका जेल होगा या फिर एल्यूमिना ऑक्साइड है, इसने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया किसको, वाटर वेपर को। और जैसे ही वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर हम लोग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में रिलेशन देखें तो ओमेगा 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, ओमेगा 1 से। ओमेगा 2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, ओमेगा 1 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, ये जो आपके पास सिलिका जेल ने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया, जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया है, उसके कारण से आपके पास क्या होने वाला है, ये आपके पास जो सिलिका जेल हो गया या फिर आपके पास एल्यूमिना ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एल्यूमिना ऑक्साइड हो गया, इसने क्या किया, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया है। तो वाटर वेपर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर वेपर जो है वो H2O है, H2O वेपर है, इसके प्रेजेंस में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण से जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, वो आपके पास इंक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर dBT1 है, तो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज dBT2 और dBT2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, dBT2 इज ग्रेटर देन dBT1 होगा, dBT2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, dBT1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हीटिंग भी हो रही है, एयर की क्या हो रही है, एयर की हीटिंग हो रही है, और साथ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साथ में आपके पास क्या हो रहा है, साथ में आपके पास डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, राइट। सिंस केमिकल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, राइट। और साइकोमेट्रिक चार्ट में इस प्रोसेस को शो करना है तो साइकोमेट्रिक चार्ट में हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, सी हियर स्टेट नंबर 1, तो ये हो गया मेरे पास स्टेट नंबर 1, सी स्टेट नंबर 1। नाउ 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 अगर देखोगे, 1 से लेके 2 तो देखो यहाँ पे हीटिंग भी हो रही है, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हीटिंग भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में आपके पास डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्टेट नंबर 1, ये आपके पास है स्टेट नंबर 1, दिस इज द स्टेट नंबर 1 एंड दिस इज द स्टेट नंबर 2। तो ये हो गया 1 से लेके 2। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आप देख रहे हो वो क्या है, ठीक है, हीटिंग है, टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओमेगा क्या हो रहा है, ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस क्या हो रहा है, हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, राइट। हीटिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज होगा तो पीवी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डीपीटी क्या होगा, डीपीटी भी डिक्रीज होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर एंथैल्पी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एंथैल्पी के बारे में हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि एंथैल्पी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास सेम हो सकता है, राइट। ये भी आप समझ पाओगे, है ना। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ, ये तो एंथैल्पी के बारे में बात होगी। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूँ तो वेट बल्ब टेम्परेचर के केस में भी वही है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या तो आपके पास क्या रह सकता है, सेम रह सकता है, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, आरएच के बारे में, तो आरएच तो होगा क्या होगा, आरएच तो डिक्रीज ही होगा, आरएच हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। आरएच जो है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके पास क्या है, हीटिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दिस इज अ हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सो आई होप सारे जो प्रोसेसेस है वो सारे प्रोसेसेस आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, जो भी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है ना, ये आपके पास सारे प्रोसेसेस हम लोगों ने शो किए, राइट। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो सारे प्रोसेसेस है, इन सारे प्रोसेसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट में बताना आना चाहिए। ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कई बार आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है कि बताइए ये कौन सा प्रोसेस है ना। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट में कैसे शो करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर प्रोसेस आपके पास जो पैरामीटर है, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी, H1, H2, ये सब में आपके पास क्या चेंजेस आ रहा है ये भी आपको पता होना, मतलब ये आपको आना चाहिए बताने, ठीक है। तो आई होप ये आपके पास सारा चीज जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो चलिए आज का जो सेशन है, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी कल के सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे, है ना। साइकोमेट्रिक के जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के सेशन में, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग द सेशन, ये सेशन को एंड करने से पहले, राइट, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हो और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, आइदर इट इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10, इसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो CHA10 तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हो, राइट, सो डेफिनेटली यू विल गेट दी लाइव क्लासेस, प्रॉपर वे में क्रैश कोर्स आपके पास, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर वे में आपके पास डाउट सॉल्विंग क्लासेस, क्लास विल बी इन हिंदी एज वेल एंड इंग्लिश, राइट, क्लास आपको दोनों में मिलेगा, राइट। और अगर आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हो तो प्लस का जो बेनिफिट है वो आपको आइकॉनिक में मिलेगा ही मिलेगा। साथ में देयर इज अ पर्सनल कोच जिससे आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, राइट, स्टडी बूस्टर सेशन, ठीक है। प्रॉपर वे में आपके पास टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स एंड द मटेरियल, ये भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 12 मंथ के लिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। देयर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो, तो EMI के ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो, राइट। अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप प्लान करते हो, क्या अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, सॉरी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो 12 मंथ के लिए देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर 24 मंथ के लिए अगर आप प्लान करते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, ठीक है। एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी, दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, ये ऑफिशियल आपके पास फेसबुक ग्रुप है, राइट। सो ये ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डेफिनेटली शेयर इट, राइट। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।